दोस्तों आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने 5000 क्वेश्चनों की जो सीरीज शुरू कर रखी है उसके 70 क्वेश्चंस मैं कंप्लीट कर चुका हूं। ये इस सीरीज का 8वां वीडियो है। और फ्रेंड्स, साइकोलॉजी में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। और मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में यदि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपकी कि एग्ज़ाम में यदि आपने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ होगा तो भी सही टिक करके आओगे। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, NCF 2005 का मूल उद्देश्य क्या है? ज्ञान की रचना, पाठों को याद करने पर बल, गणनाओं पर बल, अनुशासन पर बल। तो इसका सही जवाब, NCF 2005 किस पे बल देता है? करके सीखने पर, कि बच्चे खुद करके अपने हाथ से करके अच्छी तरह से सीखते हैं। तो इसका सही जवाब है ज्ञान की रचना। अगला क्वेश्चन है 72 का। अगले क्वेश्चन देखते हैं, दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों एक साथ करते हैं। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रतिभावान बालक, समस्यात्मक बच्चे, भाषा विकलांग बालक या सृजनात्मक बालक। और अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनका बताना है जो नहीं आते हैं। समस्यात्मक बच्चे, अपराधी बालक, मानसिक रूप से पिछड़ा बालक या संवेगात्मक रूप से अशांत बालक। देखिए, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एक मैंने आपको बताया था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के ट्रिक में बताया था कि जब आप अपना सामाजिक विकास चाहते हो तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर बनोगे, कुछ भी संस्था खोलोगे तो आपको रिक्स है, आपके दुश्मन खड़े होंगे बहुत से। तो इसका मैंने बताया था ईरिक्सन है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ईरिक्सन, रिक्स से ईरिक्सन बन गया, तो आसानी से आप याद रख सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करते हैं। सामाजिक रूप से बेन बालकों के अंतर्गत नहीं आता है, यानी समाज के लिए समस्या नहीं है। समस्यात्मक बच्चे समाज के लिए समस्या है, अपराधी बच्चे समस्या है, स्वेगात्मक रूप से अशांत बच्चे समस्या है समाज के लिए, लेकिन मानसिक रूप से पिछड़ा बच्चा समस्या नहीं है। इसका ये ऑप्शन सही होगा। पिछड़ा बालक वो बेचारा पढ़ाई में पिछड़ा है। पिछड़ा बालक वो होता है जो 8वीं में है और 7वीं की बुक्स को नहीं पढ़ सकता, उसको 7th क्लास का सवाल दे दें तो वो नहीं कर सकता। ये इसका सही है। और इसमें समाज के लिए समस्या कौन से बच्चे होते हैं? प्रतिभावान बालक नहीं होता कभी भी, समस्यात्मक बच्चे ये सही है इसका, भाषा विकलांग बालक ये भी नहीं होते हैं, भाषा से ही तो विकलांग है, समाज के लिए समस्या थोड़ी है। सृजनात्मक बच्चे तो ये भी समाज के लिए समस्या नहीं है, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हस्तशिल्प की शिक्षा किन को दी जानी चाहिए? हस्तशिल्प की शिक्षा मंदबुद्धि बालकों को दें या पिछड़े बालकों को, या सामान्य बालकों को, या प्रखर बुद्धि के बालकों को? रिट में पूछा हुआ है ये TGT का क्वेश्चन। तो ये किन को देनी चाहिए? मंदबुद्धि बालकों को, क्योंकि हस्तशिल्प वो होता है कढ़ाई बुनाई, हाथ से कुछ काम कर लें, कुछ दरी वगैरह सिलना, ऐसी शिक्षा। तो कंपटीशन में तो मंदबुद्धि बच्चे बेचारे प्रतिभाशाली बच्चों की इनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, तो वो खुद का गुजारा आसानी से चला सकें इसके लिए उनको हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चंस। और अगले क्वेश्चन देखते हैं, 75 का क्वेश्चन। आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके सामने ज्ञान का प्रदर्शन करता रहता है, उसे उसकी रुचि के अनुसार कार्य देंगे, उसे कुछ ऐसे कार्य देंगे जो न कर सके, उसे डांट कर बैठा देंगे, या उसके कक्षा में नेतृत्व करने को दे देंगे? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा, उसकी रुचि के अनुसार उसे कोई कार्य दिया जाएगा, उसकी रुचि के अनुसार ही उसे कार्य दे देंगे। जैसे कि उसको इंटरेस्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट तो है, ज्ञान का प्रदर्शन करता है, उसे सुबह रोज़ कह देंगे कि क्लास में आते ही तू रोज़ 5 GK के क्वेश्चन पूछेगा बच्चों से, ऐसा काम उसको दे देंगे। और अगला क्वेश्चन है 76 का, किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार
पुरस्कार पुरस्कार दो बार लिख दिया ये गलती से। मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है, प्राणी उस कार्य को देर से सीखता है, प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है, पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, पुरस्कार का उस कार्य को जल्दी से सीख लेता है, अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा पुरस्कार का। तो अगला क्वेश्चन है 77 का, विशिष्ट बच्चे मुख्य रूप से संबंधित हैं आर्थिक स्तर से, मानसिक स्तर से, उपलब्धि स्तर से या सामाजिक स्तर से। तो विशिष्ट बच्चे कैसे छांटते हैं, मानसिक स्तर से। तो इसका सही जवाब होगा मानसिक, आर्थिक सामाजिक इनका इसमें कोई मतलब नहीं है। हिमाचल प्रदेश टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 का, ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक सीखने में बाधक है, कौन सा बाधक है और कौन से बाधक नहीं है। शुद्ध वायु बाधक है क्या सीखने में, उपयुक्त तापक्रम क्या बाधक होती है, उपयुक्त धूप अच्छी धूप क्या बाधक होती है, इसमें प्रदूषण बाधक होता है सीखने में। सीखने में प्रदूषण देखो दिमाग पर भी असर डालता है, आपको पता ही होगा धुएं में, वाहनों के धुएं में शीशा भी होता है जो कि दिमाग पर बहुत सी दिमाग की बीमारियां बना देता है। और अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन आंदोलन के जनक हैं, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है, आंदोलन के जनक है। किंडरगार्टन प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया है, एक ही एग्जाम में दो बार पूछा गया है ये, थोड़ा सा चेंज करके, आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रोबेल या मोंटेसरी। तो इसका सही जवाब, ये तो आपके लिए जी हो गया, फ्रोबेल हैं, फ्रोबेल किंडरगार्टन आंदोलन के, यानी टीजीटी में भी देखो ये प्राइमरी किंडरगार्टन एलकेजी यूकेजी केजी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये प्राइमरी पीआरटी के एग्जाम्स के लिए ही है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बंदर पर, बिल्ली पर, चूहों पर, मनुष्यों पर। तो इसका मैंने ट्रिक बना रखा है, थॉर्नडाइक का टी ले लो, थॉर्नडाइक के नाम का टी, और इसका बी ले लो, टी बी से की फुल फॉर्म होगी थॉर्नडाइक बिल्ली, और पिक्के बना रखा है मैंने, पिक्के, टीबी भी एक बीमारी है, पिक्के भी आपने फिल्म देखी होगी, तो पिक्के बना रखा है मैंने पावलोव कुत्ता, पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। तो इस तरह से दोनों के आपको याद रह सकते हैं। और आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, और अगली वीडियो में अपने नाम शामिल करवा लेना है। हिमाचल प्रदेश टेट का क्वेश्चन है ये 2016 का क्वेश्चन। और फ्रेंड्स अब आपके नाम देख लेते हैं जो सही जवाब दिए। सबसे पहले रमेश गोटड़ जो कि राजगढ़ चूरू से हैं, इनका सही जवाब आया है राजगढ़ चूरू से। विंबलडन का पूछा था मैंने किस साल पहली बार खेला गया था, 1877 में पहली बार खेला गया था ये विंबलडन टूर्नामेंट, सबसे पुराना टूर्नामेंट पूछा था कौन सा है, विंबलडन होता है। उसके बाद दिया सुरेश गोटड़ ने जवाब सादुलपुर चूरू से हैं ये, सादुलपुर जयपुरिया पट्टा इनका गांव है, और इनके गांव की विशेषता है कि देवेंद्र जाजड़िया प्रसिद्ध खिलाड़ी वहीं के हैं। तो इन्होंने सही जवाब दिया है, सारे लिख के बताए हैं कि किस साल किसने जीता है ये। और अगले हैं नवीन कुमार ने सही जवाब दिया है, उसके बाद बहुत ही कम मैसेज आए आपकी तरफ से मेरे पास। नवीन कुमार हैं, इन्होंने गांव का नाम लिख रखा है, इसी गांव के देवेंद्र जर्जरिया। मोहित कपूरिया ने लिख के बताया है ये 8 की जगह 7 लिख देते तो सही रहता, विंबलडन। दिलीप त्यागी ने सही जवाब दिया है, और ऊपर देखते हैं सिद्धार्थ दुबे नए जुड़े हैं और इन्होंने सही जवाब दिया है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके नाम, और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।